गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कच्छ वाला व्लॉग इनकम्प्लीट रह गया था बिकॉज मैंने मेरी स्टूडियो के व्लॉग्स डाल दिए थे बीच में। सो अभी कच्छ वाले व्लॉग्स आपको और दो तीन मिल जाएंगे देखने के लिए। सो अभी मैं मासी के घर पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आई हूँ। आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, बस लास्ट में मैं ही बची हूँ। ध्रुव ने टेढ़ो है, मासी टेढ़ तारा थी टेढ़ा से। अभी हम लोग चले घटशीसा या घटशीसा, आप लोग जो भी बोलते हो। हमारी सूरधन है यहाँ पर, आई मीन मेरे ससुराल के जो सूरधन है उनके दर्शन करने जाना बनता है ओब्वियसली। और वहाँ पे बहू लोगों को साड़ी पहन के जाना कंपलसरी है। सो इसके लिए आज मैंने साड़ी पहना है। ध्रुव अभी स्लो ले जो हूँ, मंदिर लॉक्ड है, किसी को पूछना पड़ेगा चाबी। थैंक गॉड चाबी मिल गया। मुझे लगा था कि दोपहर का टाइम है, सब लोग सो गए होंगे तो चाबी नहीं मिलेगा तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। गो मासी इज कॉलिंग। बेस्ट दर्शन हो गए, चाबी भी बाजू में थी मिल गई। अभी हम लोग चले सुमन के यहाँ पर, चोपड़ा है वो लोग तो उनके सुलहन के वहाँ पर। कच्छ में ना तीन चीज़ें बेस्ट मिलती है, एक तो सबसे पहले दाबेली, दूसरा जूसी आइसक्रीम एंड तीसरा गन्ना जूस। मतलब इनके टेस्ट का कोई तोड़ ही नहीं। कैसे मच्छी आ गई, मच्छी गन्ना जूस पार्सल ली तो बोलो सही जाए। 10 मिनट दस मिनट भी नहीं, ध्रुव 10 मिनट આ શું છે? ડાયનોસર મારો છોટો ડાયનોસર। કીટુ એ કેવા કપડા પહેર્યા છે? કીટુ આ કોણ છે? હા ખાઈને બોલને। કીટુ ના માસી કી ચશ્મે ચોર લડકી હે ના ચશ્મે ચોર જો અહીંયા શું વિન્ડમિલ ક્યાં છે? વિન્ડમિલ ક્યાં છે? આજો કીટુ આર્યુ વિન્ડમિલ વિન્ડમિલ આ છે આર્યુ કે અહીંયા ભી છે, અહીંયા ભી છે, બહુ સારો છે કે આપણે ક્યાં જઈ છે? તમારે દાદાનું નામ શું છે? જીવરાજ દાદાના મંદિરે બોલો, બીજા દાદાની જીવરાજ દાદા, જીવરાજ દાદા કી જય બોલો, કરો કરો, હા બસ સ્ટાઇલ મારો સ્ટાઇલો, મેરી સ્ટાઇલો લડકી, મેરી સ્ટાઇલો લડકી। હા ઇધર દેખો અભી so cute kitu, cute so cute, so cute so cute kitu so cute so cute। aaja apni kya jai chhiye? ni 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 jivraj dada na mandir bolo, ni
जीवराज दादा खुश हो रहे हैं। नियाणी आवी नियाणी हाँ टीना भूमि है भूमि जाडी थी गई सुमन तो आई रही भूमि आई तो ई है भूमि है ખબર તો હોય નાની એકલા જે ના આવે તું જાડી લાગે ચુપ રે શું ચુપ રે જાડી થઈ ગયો નહી કેમ मैं आके ना दोपहर में सोना मैंडेटरी हो जाता है यहाँ के लोगों के जैसे बिकॉज पता नहीं अपने आप ही नींद आ जाती है यहाँ पर क्योंकि मामा के घर पे सो गए थे अभी और मामा के मामा मासी बुआ के घर पे आके जो भोजन का आनंद मिलता है वो अलग ही रहता है बिकॉज समाज में वही पूरी सब्जी सब ऑयल खा खा के बहुत ऐसे बोर हो जाते हैं बट घर पे खाना खाने का अलग ही मज़ा आता है यहाँ पे सिंपल सिंपल फोटो पाले इसको यहाँ तक स्माइल करो एक मामा ने
यही है वो जगह, टेरेस, बालकनी, जो भी बोले, जिसको अभी तक हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पे देख के याद आ जाता है कि यहाँ पे हम लोग रात रात भर बैठे रहते थे। अभी लास्ट मंदिर बाकी है, खेता बाबा के मंदिर जा रहे हैं और एक देव दर्शन रह गए हैं। इस बार लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी रह गया है, बट हमेशा ना सब एक दिन में ही हो जाता है, उमिया माता जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण एंड सूर्यधाम। बट इस बार और लास्ट टाइम जब भी आए थे टाइम बहुत कम था ना, सो जैसे जैसे टाइम मिल रहा था थोड़ा थोड़ा करके देव दर्शन किए, वरना एक ही दिन में एक ही लाइक सुबह से दोपहर से पहले ही हो जाता है सब कुछ एक साथ ही। हे भगवान, ट्वेल्व शिवलिंग है यहाँ ना। रह गया था तो फिर से मिलने आना पड़ा हमको। तो है ना मजा वहाँ बस। अभी कच्छ की आखिरी दाबेली खा के निकलते हैं, आज रात की ट्रेन है। इस बार दाबेली इतना नहीं खाया, बस जूस ही आइसक्रीम ही खाया है, तो अभी आज डिनर में ही दाबेली लेके जा रहे हैं हम लोग। सुबह 10 बजे घर से निकले थे, फाइनली 7 बज गए, 7 बजे घर पे पहुँचे। यहाँ की एक बात बहुत अच्छी है, और ओबियसली समर में सबके यहाँ पे ऐसे ही होता होगा कि 8 बजे दिन ढलता है तो दिन लंबा लगता है, बट 8 बजे आज हम लोगों को निकलना है घर से। 10 बजे की हमारी ट्रेन है, भुज पहुँचने में हमको 1 घंटा लगता है, और फिर मतलब 8 करेंगे तो 8:30 हो ही जाएगा। इसके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा लंबा था ऐसा लग रहा था, बस देव दर्शन एंड सबके घर आना जाना। इतनी देर में तो मैं भुलेश्वर जाके वापस आ जाती हूँ, 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। तो अभी फटाफट पैकिंग शैकिंग करते हैं। लास्ट जूसी ऑफ कच्छ, अभी वापस कब खाने मिलेंगे पता नहीं। आप लोगों को लगेगा मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं कितनी बार कच्छ में जाती हूँ, साल में 2 बार तो हो ही जाता है, बिकॉज मेरे रिलेटिव, कल्पेश के रिलेटिव लाइक मेरे मासी मामा वो सब कच्छ में, सेम कल्पेश का भी मासी मामा सब कच्छ में है, तो एवरी टाइम किसी न किसी की शादी होती रहती है। अभी नेक्स्ट कमिंग दिसंबर, नहीं नेक्स्ट दिसंबर पार्थ की शादी फिक्स है, अभी जिसके एंगेजमेंट में आए थे, बट उस बीच किसी का फिक्स हो गया, किसकी शादी हो गई, तो फिर से आना पड़ेगा। बट आई होप अभी मुझे नहीं आना है, अभी मैं बहुत थक गई हूँ कच्छ में आके, सो ऊपर से ट्रेन में आना जाना। फाइनली पैकिंग एंड ऑल डन, ट्रेन का यही सीन है कि थोड़ा भी लेट हो गया तो बहुत ज़्यादा हचपच हो जाता है, बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है। तो अभी मैं चली मासी के घर डिनर करने के लिए। डिनर तो वैसे हम दाबेली लेके आए हैं, बस खिचड़ी बनाने को बोला था मासी को, सो अभी खिचड़ी खा के निकलते हैं। Yeah. Oh, yeah. Much, but he, oh, man.
बाय पार्थ मामा, अभी शादी अगले साल करना, इस साल हम नहीं आएंगे। आप भी चल रहे हो? मुंबई चल रहे हो?